फूटा तालाब, आया सैलाब और घुसा पानी शहर के अंदर। जी हाँ, तस्वीरें सतना की है और सतना की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि मध्य प्रदेश में भारी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। हालांकि इस तालाब के फूटने में ये नहीं कहा गया कि भारी बारिश जिम्मेदार है, क्योंकि तालाब का काम चल रहा था। ये नारायण तालाब है सतना का, जिसके किनारे पर निर्माण कार्य चल रहा था। हालांकि अधिकारी बाद में कहते नजर आए कि निर्माण कार्य तो कई दिनों से बंद है, लेकिन ये जो फूटा हिस्सा तालाब का, उससे पानी जो है वो शहर की तरफ रुक कर गया और जो कॉलोनी आसपास बनी है वहां जल भराव हो गया और हालत इस कदर बिगड़े कि अफरा तफरी मच गई, लोग परेशान हुए। यही वजह है कि मौके पर कलेक्टर, एसपी समेत तमाम अधिकारी पहुंचे, पानी को खाली कराया गया। कलेक्टर जो है उनके मुताबिक शुरुआती तौर पर यही प्राथमिकता है कि पहले पानी जो है इस इलाके से खाली करवा लिया जाए। सुनिए, तालाब का पाल टूट गया, इसके कारण तालाब का जो पानी है, तालाब में बहुत ज़्यादा पानी नहीं रहता है, बारिश के कारण भी थोड़ा पानी इकट्ठा हुआ था, वो पानी उससे लगी हुई जो निचली बस्तियां हैं वहाँ पर थोड़ा सा जल भराव हुआ, उसको निकालने की व्यवस्था कर ली है, थोड़ी देर में सभी पानी निकल गया। तो दरअसल इस पूरे इलाके में पानी इस कदर भर गया था कि लोग परेशान हो गए थे, वाहन भी लोगों के बहने लगे थे और लोग आसपास जाने लगे थे क्योंकि यहाँ पानी पानी था। बाद में मशीनें पहुंची, मशीनों की मदद से पानी को वहां से इलाके से खाली कराया गया, लोगों को राहत पहुंचाई गई। लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश में भारी बारिश का असर भी देखा जा रहा है, अधिकारियों का भी ये कहना था कि निर्माण कार्य में भले लापरवाही ना हुई हो ये तो बाद में जांच पता चलेगा, लेकिन चूंकि बारिश ऐसी है मध्य प्रदेश में कि जो भी तालाब है या बांध है उनमें वाटर लेवल यानी पानी का स्तर बढ़ जाता है, और जब बांध या तालाब में पानी का लेवल बढ़ता है तो उस तरीके से फूटने की आशंका रहती है। यही वजह है कि यहाँ पर भी शहर में हालात बिगड़ गए। कुछ देर तो ऐसा लगा कि जैसे इस कॉलोनी में, इस इलाके में बाढ़ आ गई हो, क्योंकि बाढ़ जैसे हालात बन गए थे, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। प्रशासन को भी खासी मशक्कत करनी पड़ी लोगों को राहत पहुंचाने में। यही वजह है कि प्रशासन के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों की राहत के लिए इंतजाम किए गए, लेकिन मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते इस तरीके की स्थितियां बन रही हैं। कई शहर जलमग्न नजर आते हैं, कई शहर ऐसा लगता है जैसे पानी में समा रहे हों, लेकिन एक लापरवाही की वजह से लोगों को खामियाजा उठाना पड़ता है, क्योंकि एक तालाब में दरार आई, इस तरीके से तालाब फूटा तो शहर के लोग खासे परेशान नजर आए। ये तो समय रहते यहाँ पर प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कर दिया, नहीं तो यहाँ पर वाटर लेवल बढ़ने की वजह से अच्छी खासी तरीके से परेशानियां जो हैं, जिस तरीके दिक्कत हो रही थी वो खासी लोगों को झेलना पड़ी। फिलहाल लोगों को राहत मिली प्रशासन के पहुंचने के बाद। सतना से आप तक खबर पहुंचाई वेंकटेश देवी जी ने, आप देखते रहे हैं अभी तक।